एमपी के सतना में पीएम मोदी ने की जनसभा, कहा आपके वोट ने किया कमाल, अब देश के दुश्मनों के हौसले पस्त। पीएम ने कहा आपका वोट भ्रष्टाचारी कांग्रेस को एमपी से 100 कोस दूर करेगा, दिल्ली में मोदी को करेगा मजबूत। पीएम का कांग्रेस पर धांधली का आरोप, कहा जिनका जन्म नहीं हुआ वो बन जाते थे लाभार्थी, सब्सिडी के पैसे कांग्रेस वालों की तिजोरी में जाते थे। पीएम मोदी की एमपी के लोगों से अपील, बोले गलती से भी कांग्रेस आई तो मुफ्त राशन, मुफ्त इलाज, लाडली बहना योजना होगी बंद। एमपी में कमलनाथ ने एक्सपोस्ट पर बताया कांग्रेस के वादे, लिखा ग्राम सभाओं और ग्राम पंचायतों को दोबारा अधिकार संपन्न बनाएंगे। प्रियंका गांधी की पोस्ट, बीजेपी ने एमपी में 18 साल से कुछ नहीं किया, चुनाव से पहले लाडली बहनों को दे रहे हैं तोहफा। इंदौर में बोले बीजेपी नेता जयराम ठाकुर, कांग्रेस ने हिमाचल चुनाव में दी थी 10 गारंटियां, एक भी पूरी नहीं की। एमपी के सतना में बोली बीएसपी सुप्रीमो मायावती, दलित आदिवासी पिछड़ों की लड़ाई लड़ रही बीएसपी। अयोध्या में सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक, कई अहम प्रस्तावों को लेकर चर्चा। अयोध्या पहुंचने पर सीएम योगी का हुआ जोरदार स्वागत, मंत्री जितेंद्र प्रसाद समेत पार्टी के कई नेताओं ने किया वेलकम। अयोध्या में इलेक्ट्रिक बस में सवार हुए सीएम योगी, कैबिनेट मंत्रियों के साथ किया बस का सफर। सीएम योगी ने हनुमानगढ़ी मंदिर में पूजा की, इस दौरान सभी कैबिनेट मंत्री मौजूद रहे। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भी सीएम के साथ हनुमानगढ़ी मंदिर में की पूजा, महंत राजू दास की मौजूदगी में की आरती। सीएम योगी ने रामलला मंदिर में की पूजा, कैबिनेट मंत्रियों के साथ किया रामलला के दर्शन। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण स्थल पर पहुंचे सीएम योगी, निर्माण के काम का लिया जायजा। सीएम योगी के साथ डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और कैबिनेट मंत्री रहे मौजूद, इंजीनियर ने नक्शे के जरिए दिए जानकारी। अयोध्या में कैबिनेट की बैठक के मद्देनजर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, बैरिगेटिंग लगाकर वाहनों की हो रही है चेकिंग। अयोध्या में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बोले एडीजी लखनऊ जोन, पर्याप्त पुलिस बल लगाया गया, कई इलाकों में रूट डायवर्जन भी लागू। यूपी डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बयान, अयोध्या में इस बार और बड़े स्तर पर मनाया जाएगा दीपोत्सव। बिहार विधानसभा में जमकर हंगामा, बीजेपी विधायकों ने वेल में किनारेबाजी, कुर्सी फेंकने की कोशिश। बीजेपी विधायक रामसूरत राय बोले गवर्नर से मिलेंगे बीजेपी के विधायक, मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति नहीं रह सकता सीएम। नीतीश के बयान को लेकर दिल्ली में जेडीयू ऑफिस के बाहर बीजेपी का प्रदर्शन, बढ़ाई गई सुरक्षा व्यवस्था। नीतीश के बयान पर महाराष्ट्र के अमरावती सीट से सांसद नवनीत राणा के बयान, हमें माफी नहीं इस्तीफा चाहिए। नीतीश पर एमपी के सीएम शिवराज का अटैक, कहा उन्हें सीएम बनने का कोई अधिकार नहीं, छोड़ देना चाहिए पद। सीएम नीतीश पर बोले असम के सीएम हेमंत, मेंटल बैलेंस खो चुके हैं नीतीश, जेडीयू उन्हें आराम देकर करवाए इलाज। सीएम नीतीश के बयान पर केशव प्रसाद मौर्य के पोस्ट, लिखा राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान से बदली बिहार की फिजा। पटना में आज भी आंगनवाड़ी वर्कर्स का प्रदर्शन, आरजेडी ऑफिस को घेरा, जमकर हुआ हंगामा। आंगनवाड़ी वर्कर्स पर पुलिस ने किया बल प्रयोग, वर्कर्स पर की छोड़ी पानी की बौछार, ऑफिस के बाहर से खदेड़ा। बीजेपी आरएसएस में अपनी साख बढ़ाने की कोशिश में हेमंत बिस्व शर्मा, इसलिए दे रहे भड़काऊ बयान। नाना पटोले का बयान, बोले बीजेपी राम मंदिर को बता रही अपना, ये सबसे बड़ा पाप, उद्घाटन में राम जी छोटे, पीएम बड़े बन रहे। केंद्रीय एजेंसियों और चुनाव आयोग को संजय राउत ने बताया बीजेपी की कठपुतली, कहा बीजेपी के इशारे पर करते हैं काम। राउत ने उठाया महाराष्ट्र में आरक्षण का मुद्दा, कहा कई राज्यों ने बढ़ाया 50% आरक्षण का कोटा, महाराष्ट्र ने भी होना चाहिए। देहरादून में उत्तराखंड फाउंडेशन डे प्रोग्राम, प्रेसिडेंट मुर्मू, गवर्नर गुरमीत सिंह, सीएम धामी मौजूद रहे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का संबोधन, गवर्नर और सीएम राज्य के विकास में जुटे, देवताओं के आशीर्वाद से बढ़ेगी सुख समृद्धि। उत्तराखंड फाउंडेशन डे पर पीएम मोदी की पोस्ट, राज्य के लोगों को दी स्थापना दिवस की शुभकामनाएं। तेलंगाना के खम्भम में ईडी आईटी की ज्वाइंट रेड, पूर्व सांसद पी श्रीनिवास रेड्डी के घर पर छापेमारी। मोदी सरकार का पूर्व सैन्य कर्मियों को दिवाली गिफ्ट, ओआरओपी की तीसरी किश्त की जारी, रक्षा मंत्री ऑफिस ने दी जानकारी। मॉरिशस में इंडियन नेवी का ज्वाइंट अभ्यास, मॉरिशस के सशस्त्र बलों के साथ चलाया विशेष अभियान। अबू धाबी में यूएई प्रेसिडेंट से जैन आचार्य लोकेश की मुलाकात, जैन धर्म में सिद्धांतों के बारे में दी गई जानकारी, कई और मुद्दों पर चर्चा। दिल्ली में आज भी प्रदूषण गंभीर लेवल पर बरकरार, पूरी दिल्ली में क्यूआई 400 के खतरनाक स्तर पर पहुंचा। राजधानी के आसमान में छाई गहरी धुंध, लोगों को आंखों में हो रही है काफी परेशानी, जलन महसूस हो रही है, घर से बाहर निकलना हुआ दुभर। यूपी के गाजियाबाद में पॉल्यूशन से हालात खराब, आसमान में छाई गहरी धुंध, एक्यूआई बहुत खराब स्तर पर रिकॉर्ड। राजस्थान के हनुमानगढ़ में भी प्रदूषण से हालात खराब, एक्यूआई लेवल बहुत खराब रिकॉर्ड। मुंबई में आज प्रदूषण में मिली थोड़ी राहत, ओवरफ्लो एक्यूआई 150 के मीडियम लेवल पर दर्ज, पर सीएसटी में बेहद खराब एक्यूआई 300 पर दर्ज। जम्मू कश्मीर के रामगढ़ में पाकिस्तान ने फिर किया सीज फायर उल्लंघन, सीमा पार से फायरिंग में बीएसएफ का एक जवान शहीद। पाकिस्तानी रेंजर्स ने रामगढ़ और अर्निया सेक्टर में देर रात की गोलीबारी, भारतीय जवानों ने दिया मुंहतोड़ जवाब। जम्मू कश्मीर के शोपिया के कथोहलन इलाके में मुठभेड़, सुरक्षा बलों ने टीआरएफ के एक आतंकी को ढेर किया। बलिया के बांसडी थाने के गांव खरौनी में दो गुटों में भिड़ंत,
पुलिस ने मौजूदगी में जमकर मारपीट। तमिलनाडु के थूथुकुडी में भारी बारिश के बाद जलभराव, कई इलाकों में सड़कों पर भरा पानी। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में लैंडस्लाइड, कुंजप्पा पनाई के पास सड़क पर भारी बारिश के बाद जमीन पर बिखरे दिखे पत्थर।